Good morning, students. Today we discuss even and odd permutation. A permutation is said to be even permutation if it can be expressed as product of even number of transpositions. कि अगर आप किसी भी permutation को even number of transpositions की form में लिखाओ तो वो आपकी even permutations हैं. और अगर आपकी number of transpositions odd हो जाए तो वो आपकी क्या बन जाएगी? Odd permutation बन जाएगी. Properties देखो क्या है even odd permutation की. First property है एनी परमुटेशन इज आइदर इवन और ओड. कोई भी परमुटेशन जो है वो इवन होगी या फिर वो ओड होगी. नेक्स्ट, अगर कोई आपकी साइकिल एन लेंथ की है तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन ट्रांसपोजिशन. तो अगर कोई भी साइकिल एन लेंथ की है और अगर वो एन क्या है आपका इवन परमुटेशन है, मीन्स अगर कोई साइकिल आपकी एन लेंथ की है और वो आपकी इवन परमुटेशन कब होगी? वो अगर साइकिल जो वो आपका एन है, कोई भी साइकिल एन लेंथ की क्या होगी आपकी इवन परमुटेशन होगी अगर एन आपका क्या होगा ओड होगा, और ओड परमुटेशन होगी अगर एन आपका क्या होगा इवन होगा. ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन जो है वो आपकी इवन परमुटेशन होती है. प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन इज ऑलवेज इवन. प्रोडक्ट ऑफ टू ओड परमुटेशन इज ऑलवेज इवन. और अगर एक इवन एक ओड परमुटेशन है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ओड परमुटेशन बनेगा. अगर इवन परमुटेशन है तो उसका इनवर्स इवन परमुटेशन, ओड परमुटेशन का इनवर्स आपका ओड परमुटेशन. और अगर इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, एक रिजल्ट और है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास n फैक्टोरियल परमुटेशंस हैं n सिंबल्स पे तो उनमें से एग्जैक्टली हाफ हमारे इवन होंगे और हाफ हमारे क्या होंगे ओड होंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या बताना है, सारी परमुटेशंस लिखनी है सेट S की और लिस्ट करना है इवन एंड ओड परमुटेशंस. तो S जो है इट कंटेन्स फोर एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी होंगी? फोर फैक्टोरियल. फोर फैक्टोरियल मीन्स 24. तो ये पहले तो आपने सारी परमुटेशंस लिखनी है. ठीक है, ये इसमें वन रो नोटेशन में लिखा हुआ है, आप इसको टू रो नोटेशन में भी लिख सकते हो. अदरवाइज वन रो नोटेशन अगर आपको क्लियर अच्छे से तो वन रो नोटेशन में लिखो, क्योंकि वहां से आप इजीली हम ऑड और इवन परमुटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर उसमें से आपने इवन परमुटेशन सेलेक्ट करनी है. जोन से भी इवन परमुटेशन है, आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा इवन परमुटेशन होती है, और बाकी जितनी बच जाएंगी वो आपकी क्या बचेंगी? ओड परमुटेशन. और इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके पास 24 परमुटेशन हैं तो 12 आपकी इवन बनेंगी, 12 आपकी ओड बनेंगी. यह एग्जांपल आप लोग ट्राई करना. नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग ग्रुप कि इफ ए एन डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री एन, देन ए एन इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग ग्रुप. और ए एन ये अल्टरनेटिंग ग्रुप है तो इसका मतलब ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी यही है कि हमें क्या प्रूव करना है कि सेट ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री एन इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि अगर दो आप होल्ड करेगी ही, क्योंकि तो बाई प्रॉपर्टी हो रहा है कि अगर आपके पास दो इवन परमुटेशन है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? एक इवन परमुटेशन होगा. नेक्स्ट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी. मल्टीप्लीकेशन जो है वो परमुटेशन की वो हमेशा क्या होती है? एसोसिएटिव होती है. थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. ये भी हमने प्रॉपर्टी की थी कि आइडेंटिटी परमुटेशन जो है वो हमारी इवन परमुटेशन है. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये रिजल्ट भी हमने किया था कि अगर कोई इवन परमुटेशन है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? इवन परमुटेशन होगा. तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ए एन आपका क्या बन गया? ग्रुप बन गया. और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एन बाई टू फैक्टोरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. और अगर हम चेक करें कि ओड परमुटेशन का ग्रुप का सेट लें अगर हम, तो क्या वो ग्रुप बनता है? नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? फर्स्ट, एक तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी परमुटेशन वो आपकी इवन परमुटेशन होती है. और दूसरा, उसमें क्लोजर भी होल्ड नहीं करती है, क्योंकि अगर दो ओड परमुटेशन का आप प्रोडक्ट लो तो वो हमेशा क्या होगा? आपका इवन परमुटेशन बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट है शो दैट फोर परमुटेशंस आइडेंटिटी ए बी सी डी ए बी एंड सी डी ऑन फोर सिंबल्स ए बी सी डी फॉर्म अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन. आपने क्या देखना है कि इनसे आपका क्या बन रहा है, ये फोर एलिमेंट्स आपका परमुटेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वो आपका एबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपने क्लोजर चेक करनी है, हर एक एलिमेंट के साथ चेक करना है. आइडेंटिटी के साथ किसी भी परमुटेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा. फिर आपने सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ, फिर थर्ड और फोर्थ, ऐसे मल्टीप्लाई कर करके सबकी आपने क्लोजर चेक करनी है कि उनके प्रोडक्ट जो है वो उसी में आनी चाहिए. ठीक है, यहाँ ये टेबल की फॉर्म में भी दिखा दिया इसने, टेबल से बना के भी दिखा दिया कि सारी इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. एक इसमें आइडेंटिटी एसोसिएटिविटी तो इसमें होल्ड करेगी ही करेगी. क्लोजर आपने चेक करके दिखानी है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें दे ही रखा है. और इन्वर्स, एक इनके इन्वर्स और निकाल के देखने हैं आपने, जो भी एलिमेंट्स है वो इसी के एलिमेंट्स आ जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा. एबिलियन ग्रुप के लिए कम्यूट करानी है आपने, जो ट्रांसपोजिशन है वो कम्यूट करती होंगी, जो बिट परम्यूटेशन है तो वो क्या बनेगा आपका?
एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। ये एग्जाम्पल करना आप लोग, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द सेंटर ऑफ अ परम्यूटेशन ग्रुप एस थ्री, कि जो आपका परम्यूटेशन ग्रुप एस थ्री है उसका आपने सेंटर निकालना है। सेंटर क्या होता है? सेंटर इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। सेंटर एक्चुअल में वो भी ग्रुप है आपका, सेंटर ऑफ अ ग्रुप जो हम निकालते हैं, और जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप है उसमें वो एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप के जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। तो यहाँ पे भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो परम्यूटेशन ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। आपने इसमें एस थ्री लिखना है, एस थ्री का मतलब सिक्स परम्यूटेशन का सेट, वो ग्रुप आपने लिखना है। और यहाँ इसके में आपने क्या निकालना है? जेड ऑफ एस थ्री निकालना है। जेड ऑफ एस थ्री का मतलब वो एलिमेंट्स जो बाकी हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो एक तो आइडेंटिटी आ जाएगा एस थ्री में, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। अब आप देखो थोड़ा ध्यान से कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है इसमें और आपको पता है जो सेंटर है वो क्या बनता है, ग्रुप बनता है, तो इसका मतलब ये इवन परम्यूटेशंस का सेट बनेगा। तो एक तो आइडेंटिटी हो गया, अब इसमें से आप इवन परम्यूटेशंस ढूंढो पहले तो कि इवन परम्यूटेशंस कौन सी है, और फिर चेक करो कि जो ये इवन परम्यूटेशंस है जो हमने निकाले हैं बनेंगे कितने इवन परम्यूटेशंस, टोटल सिक्स है ये आपके पास, तो इसमें से इवन परम्यूटेशंस कितनी बनेगी आपकी, थ्री आएंगे ना इवन परम्यूटेशंस। फिर आप ये चेक करो कि जो आपके इवन परम्यूटेशंस में जो तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, वो तीन एलिमेंट आइडेंटिटी तो कर ही जाएगा, दो एलिमेंट ही तो और बचे आपके, तो वो आपने चेक करने हैं। अगर वो कर रहे हैं कम्यूट हर एक एलिमेंट के साथ तो इसका मतलब वो जेड एस थ्री में आ जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। तो यहाँ इसने चेक करके देखा तो क्या इसको मिला कि जो इसमें और दो आपकी इवन परम्यूटेशन है वो बाकी किसी के साथ, मीन्स वो हर एक के साथ कम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब जेड एस थ्री में सिर्फ आपकी आइडेंटिटी मैप ही आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन ही होगी। नेक्स्ट है इसमें कैले थ्योरम। कैले थ्योरम क्या कह रही है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप, कि हर ग्रुप जो है वो परम्यूटेशन ग्रुप के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। देखो हमने ले लिया लेट जी बी अ ग्रुप, कोई भी ग्रुप सच दैट ए एंड एक्स आर एनी टू एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू जी। जी ग्रुप है तो क्लोजर होल्ड कर रही है, तो ए इंटू एक्स भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ ए, जी से जी तक। कैसे डिफाइन किया कि एफ ए को अगर हम जी के एलिमेंट से एक्स पे लगाते हैं तो वो क्या आ जाए, ए एक्स आ जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। अब जो ये एफ ए हमने मैप डिफाइन किया है इसको हम चेक कर रहे हैं, आइसोमॉर्फिक के लिए हमें क्या दिखाना है कि ये मैप कैसा हो, वन वन हो, ऑन टू हो। ये जो हम मैप हमने डिफाइन किया ना एफ ए फ्रॉम जी टू जी तक, जो हमने मैप डिफाइन किया है इसको हम चेक कर रहे हैं। देखो एफ ए जो हमने मैप किया है जी से जी तक, तो हमने एफ ए को वन वन दिखाना है। वन वन के लिए हम क्या लेके चलते हैं, इमेजेस सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट सेम दिखा देते हैं। ले ली इमेजेस सेम, इसका मतलब ए एक्स ए वाई के इक्वल है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से एक्स इक्वल टू वाई आ गया, तो मीन्स मैप क्या हो गया आपका, वन वन हो गया। नेक्स्ट हमने क्या दिखाना है, एफ ए इज ऑन टू, ऑन टू दिखाना है हमने। ऑन टू के लिए क्या दिखाते हो कि हर एलिमेंट की के कोरस्पॉन्डिंग उसकी क्या एग्जिस्ट कर जाए, एटलीस्ट वन उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाए। तो कोई भी एलिमेंट एक्स हमने जी का लिया, लेकिन कौन सा जी का, जो कोडोमेन है आपकी, तो हमने क्या दिखा, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी, मींस डोमेन वाला जी, सच दैट एफ ए को ए इनवर्स एक्स पे लगाएं तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा, ए इनटू ए इनवर्स एक्स, मींस क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो एफ ए क्या बन गया आपका, ऑन टू। हमें अपने रिजल्ट में क्या प्रूव करना था कि अगर हम कोई भी ग्रुप कंसिडर करते हैं तो वो परम्यूटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। ठीक है, दिस इंप्लाइज यहां से अब हमें पहले तो क्या डिफाइन करना है, एक परम्यूटेशन ग्रुप डिफाइन करना है। तो हमने ये एफ ए जो है एक हमने मैप डिफाइन किया, मीन्स एक परम्यूटेशन डिफाइन की। तो अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो ये हमने एफ ए डिफाइन किया, सॉरी जो एक मैप डिफाइन किया कि क्या वो परम्यूटेशन है आपकी। हमने ये एफ ए मैप डिफाइन किया ना जी से जी तक, तो हमने चेक क्या करना है कि क्या ये परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन की क्या डेफिनेशन थी कि अगर हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं एस से एस तक और वो आपका वन वन ऑन टू हो जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, परम्यूटेशन बन जाता है। तो यहाँ हमने जो फंक्शन एफ ए डिफाइन किया है जी से जी तक वो हमारा वन वन ऑन टू है, इसका मतलब एफ ए क्या बन चुका है, हमारा परम्यूटेशन बन चुका है। ठीक है, परम्यूटेशन है अगर ये एफ ए तो इसका मतलब किसी ना किसी का परम्यूटेशन ग्रुप का एलिमेंट भी है, तो एक परम्यूटेशन ग्रुप भी देखते हैं। ठीक है, कंसिडर किया जी डैश, जी डैश क्या, जी डैश में कौन से एलिमेंट है, ऐसे सारे परम्यूटेशन एफ ए, वेयर ए बिलोंग्स टू जी एंड एफ ए इज अ परम्यूटेशन ऑन जी। अब ये जी डैश हमने ग्रुप तो हमने सॉरी ये सेट तो लिख दिया, अब ये चेक करो कि ये जो जी डैश हमने डिफाइन किया कि क्या ये ग्रुप बन रहा है। पहले एक ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करे, ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हमें क्या दिखाना है कि जो हमारा जी नॉर्मल ग्रुप था वो इस जी डैश मीन्स ये परम्यूटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक का मतलब फिर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जी से जी डैश तक और वो फंक्शन हमारा वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिक होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए।
जी डैश को ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है, फिर एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये प्रॉपर्टी ग्रुप आप पढ़ चुके हो, ये प्रॉपर्टीज आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहां से हमने क्या दिखा दिया, जी डैश हमारा क्या बन गया, ग्रुप बन गया। फिर हमने एक मैप डिफाइन किया 5G से जी डैश तक। कैसे डिफाइन किया कि 5 को अगर हम जी के एलिमेंट से ए पे लगाएं तो किसका एलिमेंट आ जाए, जी डैश का। जी डैश का एलिमेंट मीन्स परम्यूटेशन आ जाए, मीन्स एफ ऑफ ए आ जाए। और ये मैप हमने क्या शो करना है, ये मैप हमारा 1-1 है, ऑन 2 है, और ये मैप हमारा होमोमोर्फिज्म है। आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से 5 हमारा क्या आ गया, एक आइसोमोर्फिज्म आ गया जी से जी डैश तक। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना।